आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आहुजा कंपनी के ADP-30R का। इसकी MRP कुछ 2985 रुपये है, 2985 दी गई है। फटाफट से इसको खोल लेते हैं, फिर आपको अंदर में क्या कुछ मिलता है दिखा देता हूँ। डेंटेड एंड ये यूज़र मैनुअल, रिमोट फ्यूज़ वगैरह दिया गया इसमें, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट आहुजा का USB ब्लूटूथ प्लेयर प्लस रिकॉर्डर, एकदम ज़बरदस्त छोटा सा है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है पर चलेगा, गोल घुमा के सेलेक्ट करने वाला फीचर है इसमें, आगे आपको बता दूँगा। यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए RC यूज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट आउटपुट कर सकते हैं। 12 वोल्ट के बैटरी से भी चल जाएगा ये। सामने देख लेते हैं थोड़ा और, वॉल्यूम रिकॉर्ड लेवल पावर दिया है, फोल्डर ऑप्शन भी है, मोनो स्टीरियो ऑप्शन भी है, बड़ा वाला SD कार्ड भी लगा सकते हैं। मैं जैक टू जैक लगा लेता हूँ, एम्पलीफायर से कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया एम्पलीफायर से कनेक्ट, पावर केबल में को बिजली से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको इसके और फीचर बता देता हूँ। पीछे से ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसको ऑन कर लेता हूँ फट से। हो गया नहीं हुआ, अच्छा अब हो गया। पास में देखिए डिस्प्ले में लिखा है आहुजा, डिस्प्ले में बहुत कुछ लिखा आएगा, पेन ड्राइव की डिटेल भी डिस्प्ले में लिखाएंगी, जो गाना आपको चाहिए वो भी उसमें दिखाएगा। आप जो फोल्डर से चाहें वो फोल्डर से सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। मैं USB लगा लेता हूँ, फिर आपको चला के दिखा दूँगा कि पेन ड्राइव से कैसी आवाज़ आ रही। बस USB का तो ऐसा है कि बस लगाइए और प्ले कीजिए। तो शुरू करते हैं। मुझे तो ये फीचर बहुत ज़बरदस्त लगा, फोल्डर वाला, जिसमें से आप जो भी, मैंने तो कोई और फोल्डर नहीं बनाया इसलिए नहीं दिखा रहा है, बाकी आप जो भी फोल्डर चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी गाना चाहें वो जो भी है। जैसे कि मेरे को ये नीचे है इलेक्ट्रोनॉमिक, ये गाना बहुत फेमस है, इसको चलाना चाहूँगा, तो बस इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अब इसको प्रेस करना है, ये प्रेस किया, ये गाना इसको चालू कर। अब इसका ब्लूटूथ का फीचर भी अपन चेक कर लेते हैं। जैसे ऑन करेंगे, सर्च करना इसमें PA लिखा हुआ है, देखिए इसको, ये अब कनेक्टेड हो चुका है। अब मैं फटाफट से NCS का गाना चला लूँगा, क्योंकि इसमें कॉपीराइट वगैरह नहीं आता स्ट्राइक, तो मैं अब NCS का गाना चला लेता हूँ ब्लूटूथ से। तो चलिए शुरू करते हैं। Attention to all the crazy things that I shouldn't mention.
यहाँ पे आपको गोल घुमा के सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको चाहिए। तो मेरे को ब्लूटूथ मोड चाहिए, नॉट कनेक्टेड। यहाँ मोड दिया गया है, ये नीचे इसको दबाएंगे तो ये USB प्लेयर को सेलेक्ट करने पूछ रहा है, ये SD कार्ड को या रिकॉर्ड प्लेयर जो भी जिसमें होगा, ब्लूटूथ को, और ये लिखा है ऑक्स। जिसमें भी आप चलाना चाहें उसमें चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट करके, जैसे कि मैं अभी USB सेलेक्ट करके बस इसको प्रेस करना है, ये उसका गाना प्ले कर देगा। इसको दबाने से देखिए ये सर्कल मोड हो गया, नॉर्मल हो गया, फोल्डर हो गया, रिपीट फोल्डर हो गया, ये सारे मोड दिए गए हैं। ये फिर से रैंडम हो गया, रिपीट ऑल हो गया, रिपीट वन हो गया, जैसा आप चाहिए उतना सारे मोड दिए गए हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें इस बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी रिकॉर्ड करने के लिए मुझे RC इनपुट देना पड़ेगा, इसके लिए मुझे मिक्सर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अब लोकल सा कोई मिक्सर यूज़ करके आपको इसमें रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। परेशान हुआ मैं, फाइनली मुझे समझ में आ गया लीड ख़राब थी, तो मैंने अभी दूसरी लीड लगाई है, RC2 जैक वाली। सिंगल लेफ्ट में दिया है, इसके भी लेफ्ट में दिया है, और इधर माइक लगा दिया ऊपर 99 नंबर का AHUJA। अब मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है इसमें। सबसे पहले आपको ये रिकॉर्ड का बटन दबाना है, REC लिखा हुआ है। अगर आपका लीड ख़राब होगा तो ये रिकॉर्ड का लेवल नहीं चलेगा। इससे अच्छा आप पहले देख लें लीड वीड ठीक है कि नहीं। मेरा लीड ख़राब होता है इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई। REC बटन दबाना है आपको, ये दबा दिया। बाकी मैंने मिक्सर से तो कनेक्ट कर ही लिया, तो अब मैं रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी AHUJA के ADP-30R का। देखिए रिकॉर्ड का लेवल भी खेल रहा है थोड़ा सा, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ निकाला गया है AHUJA कंपनी का। लगभग 3000 रुपये का है, और इसमें ब्लूटूथ सब कुछ दिया गया है। FM तो ऐसे कंपनी देती ही नहीं है, इसमें भी नहीं मिलेगा। और बहुत सारे फीचर हैं, फोल्डर फंक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। या मैं चाहूँ तो एक ही गाना बार बार प्ले कर सकता हूँ, या एक ही फोल्डर के सारे गाने प्ले कर सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाया गया कंपनी द्वारा। तो यही थी इसकी टेस्टिंग, अब इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। हेलो 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 हेलो, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी AHUJA के ADP-30R का। देखिए रिकॉर्ड का लेवल भी खेल रहा है थोड़ा सा, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ निकाला गया है AHUJA कंपनी का। लगभग 3000 रुपये का है, और इसमें ब्लूटूथ सब कुछ दिया गया है। FM तो ऐसे कंपनी देती ही नहीं है, इसमें भी नहीं मिलेगा। और बहुत सारे फीचर हैं, फोल्डर फंक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। या मैं चाहूँ तो एक ही बार बार प्ले कर सकता हूँ, या एक ही फोल्डर के सारे गाने प्ले कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ बनाया गया कंपनी द्वारा। तो यही थी इसकी टेस्ट, अब इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक और बात बताना था, जब रिकॉर्डिंग हम कंप्लीट कर देते हैं तो रिकॉर्ड का बटन अपने को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और प्ले होना चालू हो जाएगा। मेरा पेन ड्राइव थोड़ा वीक था इसलिए वो तुरंत प्ले नहीं कर रहा था। मैंने फिर उसको कंप्यूटर में डाला तो वो वहाँ प्ले कर रहा था। तो अच्छा पेन ड्राइव यूज़ करें, थोड़ा पेचीदा है मगर अच्छा बनाया कंपनी द्वारा ये चीज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आप मुझे कुछ सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। 10,000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।